चलो अंदर चलो। आओ, बहुत तड़प रहे थे ना, अब क्या हो गया तुम्हें? अब क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो बस तुम्हें पाना चाहता था, दैट्स इट। तुम्हारा जिस्म ही मेरी चाहत थी। रेशमा सुनो, ये सब एक ट्रैप है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि खूनी के खिलाफ मैंने पुलिस स्टेशन में गवाही दी है। ये उसी खूनी की पत्नी है। ये सब ट्रैप है, ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं। ये सब एक प्लान है रेशमा, मैं सच कह रहा हूँ। चलो रेशमा, हम चलते हैं यहाँ से। रेशमा सच बताने के लिए बोला था ना। किधर गई थी तू? मैं पास के मंदिर में गई थी। मैं नहीं गया, तुझे अकेले छोड़ के जाने का दिल नहीं हुआ। अब हमें साथ में नहीं रहना चाहिए, अलग हो जाते हैं। मुझे लीगली डाइवोर्स चाहिए। थोड़ा चावल दे। अगर म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। कल सुबह तैयार रहना, वकील के पास चलेंगे। तैयार हो गई क्या? चल चलते हैं। ये लो, गाड़ी में रखो। ये लीजिए डायरी। आज मर्डर केस का लास्ट हियरिंग है ना। 2018 में हरियाणा हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी उसे मैंने मार्क कर दिया है। इट विल बी यूजफुल टू यू। ये तुम्हारे फैमिली कोर्ट में सेटलमेंट होने वाला केस नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट वाला केस है। ओह, तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं। अभी तो आप मेरे नोट को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कल में उसी को देखेंगे। ये सब सुंदरेश अंकल मुझे बताते रहते हैं। सुनिए जी, सुंदरेश मुझे सब कुछ बताएगा, इससे आप बच के रहिएगा। थैंक्स माय डियर। जितेश कब आने वाला है? शाम तक आ जाएंगे डैडी। रेशमा जी हैं क्या? अंदर हैं, जाइए आप। मैडम। पप्पू भाई ने आपको भेजा है ना, एनी? बैठिए। और इनका नाम? हेमा। लव मैरिज हुई आपकी? जी हाँ। डिवोर्स किसे चाहिए? मुझे चाहिए। रीजन? ये गुंडे हैं। जब शादी की थी तो ये बात नहीं पता थी। हेमा, सोच समझ कर ही कोर्ट में केस फाइल करना। अभी सोचने के लिए कुछ नहीं बचा। जैसी इसकी मर्जी मैडम। ठीक है, दोनों का एड्रेस प्रूफ और बाकी के डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। पेपर्स में तैयार करवाती हूँ। आप दोनों के साइन लगेंगे। 5 days लग जाएंगे। ओके। जितेश, मेरे हस्बैंड है जितेश।